अंदाज में आपको खबरें दिखाएं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर सुपौल से है, जहां कोसी नदी पर बन रहे देश के सबसे बड़े सड़क पुल का एक हिस्सा गिर गया है। बताया जा रहा है कि पुल का 50, 51 और 52 पिलर का गाटर जमीन पर गिर गया। जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 9 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। बता दें कि सुपौल के बकौर से मधुबनी के भेजा घाट के बीच भारत का यह सबसे बड़ा सड़क पुल बनाया जा रहा था। दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बकौर से भेजा के बीच कोसी नदी पर करीब 1200 करोड़ की लागत से सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा था, जिसे दिसंबर 2024 तक बन जाना था। इस पुल को ट्रांस रेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड बना रही है और ये प्रोजेक्ट 5 पैकेजों में बन रहा है। इन्हीं में से एक पैकेज में इस पुल का निर्माण शामिल है। ये पुल नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ उत्तर पूर्व को भी जोड़ेगा। दूर पर इस कंपनी का हेड ऑफिस है, जहां से और जरूरी इक्विपमेंट मंगाया जा सकता था, लेकिन यहां पर अभी तक वो मंगाया नहीं गया है। 2 घंटे, 3 घंटे से अधिक बीतने को है, पर रेस्क्यू का काम शुरू नहीं किया गया है। तो ये किस तरीके से अनियमितता बरती गई, जिसकी वजह से ये गाटर गिर गया है। भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसमें 174 पुल पाये का निर्माण होना था, जिसमें 154 नंबर पाये के पास हम लोग खड़े हैं, और उसका ही गाटर अचानक टूट कर गिर गया। स्थानीय लोग कहना है कि इस जो गिरा हुआ हिस्सा है, जो मलबा आपको हम दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से मलबा गिरा जो है, वो करीब 2 से 3 फीट अंदर चला गया है, और इसी के अंदर लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि वो हिस्सा दिखाए जो किस तरीके से, देखिए अनियमितता किस तरीके से बरती गई है। आप देख लीजिए किस तरीके से वहां से वो हिस्सा लगातार गिरा, और जबकि इससे पहले भी लोग, स्थानीय लोग बताते हैं कि इससे पहले भी इस पुल का एक छोटा सा हिस्से में दरार आई थी। स्थानीय लोग इस पर आवाज भी उठाए थे, लेकिन प्रशासन की टीम ने उसे दबा दिया था। स्थानीय लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस पाए के जो ये हिस्सा, गाटर का हिस्सा जो गिरा है, उसके नीचे, ठीक नीचे, इसे ठीक नीचे 3 फीट के अंदर में स्थानीय जो मजदूर यहाँ काम करते थे, वो दबे हो सकते हैं। प्रशासन के खिलाफ लोग आक्रोशित भी हैं। स्थानीय पिपरा के जो विधायक है रामविलास कामत, जदयू से हैं, वो भी यहाँ पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद वो सीधे लौट गए। इसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पर केवल पहुंची हुई है, लेकिन रेस्क्यू करने के लिए उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिलहाल स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। आप बताइए, अभी तक रेस्क्यू शुरू किया गया है क्या? जी नहीं किया गया है। इससे थोड़ा ही दूर पर क्रेन था, चाहता तो आ सकता था, लेकिन प्रशासन आया, सिर्फ उनको घूमने से मतलब है, कोई बात नहीं कर, इधर से उधर घूम रहे, कोई काम नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पे आए देखने के लिए, कोई प्रशासन यहाँ पे नहीं मौजूद था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर कुमार। देखिए अभी भी 3 घंटे बीतने के बाद प्रशासन का टीम यहाँ पर मौजूद जरूर है, कुछ सिपाही कांस्टेबल लोग मौजूद हैं, एसडीओ यहाँ पे आकर जा चुके हैं, सदर एसडीओ भी हैं, सदर एसडीपीओ भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू नहीं शुरू किया गया है, जिससे काफी लोग आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि इस मलबे के नीचे 20 से अधिक लोग दबे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस बात की पुष्टि अभी नहीं कर रहा है कि कितने लोग इसके अंदर दबे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि 1200 करोड़ की परियोजना में जब अब ये गाटर के पास काम हो रहा होगा, तो निश्चित रूप से 30 से 40 मजदूर जरूर काम कर रहे होंगे, कई अधिकारी भी हो सकते हैं इस कंपनी के। लेकिन इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को ट्रांसलेन और गेमन इंडिया के ज्वाइंट एडवेंचर से बनाया जा रहा है, जिसमें 174 पायों का निर्माण होना था, और ये भारत का सबसे बड़ा पुल, कहने को तो एशिया का भी सबसे बड़ा पुल कहा जाता है, लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा पुल है, और जिस पर केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपये लगाकर इतनी बड़ी परियोजना की मंजूरी दी थी, जिससे कोसी का ये इलाका सुपौल सीधा भेजा से जुड़ता और व्यापारिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता, लेकिन आज अनियमितता की ये भेंट चढ़ गया है और स्थानीय लोग इसको लेकर आक्रोशित हैं। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, बकौर भेजापुर, सुपौल। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए हैं और 11 लोग उसमें से हम लोग रेस्क्यू किए हैं, जिसमें एक का डेथ हुआ है और 10 इंजर्ड हैं। मलबा हटने के बाद संभावना है कि कुछ और लोग रहेंगे, उसको हम लोग हटा के फाइनल फिगर देंगे। सर, ये कौन सी कंपनी बना रही थी? और ये ट्रांसरेल के द्वारा बनाया जा रहा था, और विभाग द्वारा घोषणा की गई है कि जो भी डेथ हुए उनको 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा, और जो इंजर्ड हुए उनको 1 लाख मुआवजा दिया जाएगा।